बेग साहब से पूछते हैं वो मुझे किधर लेके आए हैं। क्यों जी बेग साहब? ये हमारे चीफ हैं राजा सिकंदर जमान मरहूम, उनकी ये सियासी डेरा है। यहाँ पर इनके पीछे इनके अपनी ज़ाती रहशगा है और ये सामने जो सियासी डेरा है, यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो यहाँ पर जो लोग आते हैं इनका, जब तक राजा साहब सियासत में थे उनके बेटे सियासत में हैं, ये राजा साहब का सियासी डेरा था। अच्छा, यहाँ पर ये ऊपर मेहमान खाने बने हुए हैं लोगों के लिए, ये सामने इसके हाल है जहाँ पर राजा साहब आवाम से अपने दोस्तों वो दिखाते हैं जी आपको, वो भी अभी आपको दिखाते हैं कि इधर जो सियासी बैठक हुआ करती थी वो किस किस जगह हुआ करती थी। बड़े नामवार लोग यहाँ आए, यहाँ आए हैं, बड़े बड़े तारीखी लोग यहाँ पर आए हैं सर, बहुत बहुत तारीखी लोग फॉरनर यहाँ पर आते हैं, नवाब, गवर्नर और अमीर मोहम्मद खान और सारे लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ पर। ये राजा साहब का जो आप थोड़ा सा तारफ भी कराए ना, जो नई नस्ल है उसको नहीं पता इस चीज़। राजा साहब के अभी साहब मैं आपको तारफ करा दूंगा, अभी उनका पोता आ रहे हैं, उनको बुलाया तो वो इंशाल्लाह खुद भी एक्सप्लेन कर देंगे, मेरे से बेहतर वो कर देंगे। नाज़रीन, मेरी खुशकिस्मती जब मैं राजा सिकंदर ज़मान साहब के घर पहुंचा तो ये उनके पोते हैं राजा साहब, तो मैं इनसे भी आपका तारुफ कराता हूं और इनसे पूछते हैं कुछ इनके ख़ानदान का जो बैकग्राउंड है, क्योंकि जब इनकी ज़बानी आपको इल्म होगा तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, पहले तो मैंने आपको तंग किया, आप बिजी थे। कोई मसला नहीं, इट्स आवर प्लेजर यू आर हियर। थैंक यू वेरी मच। हमारी फैमिली की जो मेन हिस्ट्री है जी, हम की फैमिली गखड़ है, हमारी गखड़ ट्राइब है, राइट। और जो मेरे परदादा थे वो 84 विलेजेस के मालिक थे, ठीक है। उसके बाद वही लेगेसी चलती है। और मेरे परदादा जानदाद खान ने वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क बिल्ट इन खानपुर, और अभी तक भी वो मॉस्क खानपुर डैम में है, इज लाइक वन ऑफ ओल्डेस्ट मॉस्क है। उसके बाद जी उनके पास, उन्हें अफगानिस्तान की शहजादी से शादी की थी, और जैसे उनका घर अफगानिस्तान में, उन्हें फिर वही माड़ी बनाई खानपुर में। अच्छा। लेकिन हमारी हार्ड लक थी, वो यूब खान के दौर में डिमोलिश हो गई। अच्छा। उसके बाद जी मेरे दादा ने पॉलिटिक्स की, ही वॉज चीफ मिनिस्टर एज वेल, ही वॉज ऑफ अपोजिशन लीडर एज वेल, काफ़ी उनके पास पोलिटिकल पोजिशन थी। उसके बाद मेरे अंकल्स आ गए जी, डॉक्टर राजा आमिर ज़मान, राजा फैसल ज़मान, और मेरे अबू ने सियासत नहीं की, उनके छोटे भाइयों दोनों ने सियासत की है। इसी तरह हम भी इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं और आगे मेरा भी मूड है खिदमत करने का। मैंने अपनी एजुकेशन की है जी फॉबल्स इंटरनेशनल स्कूल इस्लामाबाद से जी। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स LLB ऑनर्स किया है, और फिर वापस मैं पाकिस्तान आया। तो अभी आपका क्या प्लान है आपका? टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं पाकिस्तान जब आया यहाँ मुझे रूल ऑफ लॉ का इतनी समझ नहीं लगी, इस वजह से मैंने पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट किया। अच्छा। रूल ऑफ लॉ है लेकिन है भी नहीं, लेकिन कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बंदा देखा जाए जी। और इस इलाके में हमें, और जो आप देखें जो खानपुर डैम बना है जी, खानपुर डैम के मुतासरीन कोई नहीं, तरबेला डैम के मुतासरीन हैं जी। तब खानपुर डैम की जगह भी हमारी पूरी जागीर थी। अच्छा। उसके बाद जो अभी खानपुर बने हैं वो भी हमारी ज़मीन थी। सही। जितने भी वहाँ लोग रह रहे थे, हमने उनसे कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं किया, हमने उन्हें वो जगह सारी दे दी, खानपुर अभी दिया। इस वजह से खानपुर डैम में कोई मुतासरी नहीं। सही। तरबेला डैम के आज तक मुतासरी हैं। मेरी फैमिली ने ये खानपुर के लिए बहुत अच्छा स्टेप उठाया था उस वक्त, तब कोई मुतासरी कोई नहीं। माशाल्लाह जी। चले जी, मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं, आप जब भी अपना करियर स्टार्ट करें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, और फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँ इंशाल्लाह, जगह बैठ के मैं आपसे बात करूं। तो थैंक यू वेरी मच जनाब, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, आज तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे
कि अगले ट्रिप पर आपको इस एरिया की जो जो ज़्यादा क्लोज जो खूबसूरती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज तो मैंने आपको जैसा बताया कि सिर्फ मैं जायज़ा लेने के लिए इधर आया हूँ। तो नाज़रीन मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।